हेलो हाय एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज हम यहां डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां आपसे पूछा गया है ऑल नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल एक्सेप्ट कि सभी की सभी के जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट और डल होते हैं एक्सेप्ट ऑप्शन आर ग्रेफाइट डायमंड आयोडीन और ऑल ऑफ द अबाव तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड ये वैसे भी आपको पता होगा क्योंकि डायमंड जो है ये हार्ड होता है हार्ड होता है और ब्राइट होता है ओके okay, तो सही आंसर इसका डायमंड हो जाएगा इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं सभी के सभी नॉन मेटल जो जो है एक्सेप्शन होती हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं तो नॉन मेटल के साथ तीन हैं वो तीनों आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट है कि सभी के सभी नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टीरियस होते हैं एक्सेप्शन है आयोडीन आयोडीन जो है वो लस्टीरियस होती है सेकेंड है सभी नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट ओके ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड है सभी नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट और डल होते हैं एक्सेप्शन है, है यहाँ पे डायमंड डायमंड जो है वो सॉफ्ट और डल नहीं होता है ये हार्ड और ब्राइट होता है और डायमंड जो है ये एक तरीके का कार्बन का फॉर्म होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है और कोई भी दूसरा नेचुरल सब्सटेंस जो है इसे स्क्रैच नहीं कर सकता है अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है सॉफ्टेस्ट फॉर्म कार्बन की होती है ग्रेफाइट ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कार्बन की हार्डेस्ट फॉर्म क्या है हार्डेस्ट फॉर्म है सॉफ्टेस्ट फॉर्म होती है, है इसीलिए में ग्रेफाइड का यूज किया जाता है जो पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइड से बना होता है आउटर बॉडी वुड से बनी होती है ओके okay? और इसमें भी कॉन्सेप्ट uh, यही होता है क्योंकि ग्रेफाइड जो है वो क्या होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का इसीलिए वुडन वुडन जो है वो बैड कंडक्टर होती है इसीलिए उसकी बॉडी जो है पेंसिल की से बनी होती है। है, हम देख लेते हैं यहाँ से पूछा गया फ्लेम प्रोड्यूस ब्लैक डिपोजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल ज्वाला का कौन सा भाग अध कार्बन कणों की काली गाद का निर्माण करता है ऑप्शन आर आउटर जोन इनर मोस्ट जोन मिडल जोन और बोथ ए एंड सी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये किया जाता है मिडिल जोन के द्वारा सी इसका सही आंसर होगा जो मिडिल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है येलो होता है कलर में और इस यही जोन जो है वो प्रोड्यूस करता है ब्लैक डिपॉजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है मायोसिस अकर्स इन कि जो मायोसिस का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है और वो होता है शूट अपेक्स में फ्लावर बर्ड रूट हेयर और जो रूट अपेक्स माइटोसिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया था माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो होता है शूट अपेक्स में इसलिए शूट अपेक्स में ये नहीं होगा मायोसिस जो है वो होता है फ्लावर बर्ड के अंदर ओके बी इसका सही आंसर हो जाएगा इसको हम बेटर वे में समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू फ्लावर के अंदर क्यों होता है क्योंकि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है और प्लांट का जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्लावर होता है फ्लावर के अंदर कहाँ पे होता है फ्लावर के अंदर होता है एंथर सैक ऑफ स्टेमिन

और इसमें जो है टू राउंड ऑफ डिविजन होती है ओके टू राउंड ऑफ डिविजन कैसे जैसे फर्स्ट ये डिवाइड होगा टू में एंड देन ये टू फर्दर टू टू में डिवाइड हो जाएंगी तो ये है यहाँ पे फर्स्ट राउंड और इसे बोला जाता है सेकेंड राउंड तो टू राउंड ऑफ डिविजन इसमें होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है फोर सेल इसका रिजल्ट होता है आप देख ही सकते हैं वन टू थ्री फोर फोर सेल में डिवाइड हो जाता है और क्या होता है ओनली वन कॉपी ऑफ ईच पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोजोम ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा मायोसिस का प्रोसेस नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ने आपसे पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग हैज सेल जी बताइए में से किसमें प्रोकारियोटिक कोशिका पाई जाती है ऑप्शन आर बैक्टीरिया साइनोफाइसी कोकी और नन ऑफ द अब इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोकारियोटिक सेल इनमें से जो है वो है बैक्टीरिया में ओके okay, ए इसका सही आंसर होगा इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोकारियोटिक सेल क्या होते हैं प्रोकारियोटिक सेल जो है ये एक तरीके के सेल हैं जिनमें जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है इनके अंदर जो है एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है एंड सेकंड कंडीशन है इनमें जो है मैम्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होते हैं इस तरह के सेल को जो है बोला जाता है प्रोकारियोटिक सेल और ये कैसे ऑर्गेनिज्म में होते हैं प्रोकारियोटिक सेल ये होते ये आते हैं डोमेन ऑफ बैक्टीरिया एंड ओके और इसके अलावा जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम हैं उनके वो उनके अंदर होते हैं यू सेल अब आपको पता होना चाहिए कि यू सेल क्या होते हैं यू सेल वो होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है और अदर सेल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बाउंड होती है विद डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन तो यही डिफरेंस होता है और दूसरा है यहाँ पे कोई मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेन लीज नहीं होते हैं ऑन द अदर हैंड यू कार्योटिक सेल में जो है डिस्टिंट मैमब्रेन होती है आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखा देती हूं ये एग्जाम्पल है प्रोकारियोटिक का

मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शुगर कॉम्पोनेंट ऑफ आर एन एज आर एन ए का सरक्रा घटक क्या है ऑप्शन राइबोज और मैनोज जी बताइए आर एन ए का आपसे पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोज राइबोज इसका सही आंसर होगा ए इज द राइट आंसर एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं जो दोनों डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो बने होते हैं विद शुगर बैकबोन एंड दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो शुगर होती है डीएनए में उसे डीऑक्सीराइबोस बोला जाता है और आरएनए में जो होती है उसे राइबोस बोला जाता है ओके okay? और डी, आ, जो डीऑक्सीराइबोस है और राइबोस है इनमें क्या डिफरेंस होता है जो डीऑक्सीराइबोस है वो सेम होता है राइबोस के बस एक्सेप्शन एक ही होती है कि जो राइबोज होता है उसमें एक ओ एच एक्स्ट्रा होता है ये आप देख सकते हैं ये जो है डी राइबोज है और ये है राइबोज तो आप देख सकते हैं राइबोज में एक ओ एच एक्स्ट्रा एक एक है बाकी पूरी स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे सिंपल एच है यहाँ पे एक ओ एच है ये डिफरेंस होता है डी राइबोज और राइबोज में और आपको ध्यान रखना है आर एन ए में होता है राइबोज और डीएनए में होता है डी ओके आप ऐसे नेम से रिलेट करके भी देख सकते हैं डी डी है इसमें भी आगे डी होगा और आर आर एन एंड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ई कोली इज फाउंड इन जो ई e. कोली है वो कहाँ पाया जाता है लीफ में फ्लावर में इंटेस्टाइन में या फिर पिगमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा ई e. कोली जो है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है ई e. कोली होता क्या है ये एक बैक्टीरिया होता है एक यूजफुल बैक्टीरिया होता है यूजफुल बैक्टीरिया हेल्प करता है digestion में में okay? होता है ये. Digestion में help करता है ये करता और इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है है आप इसकी explanation देख सकते हैं जो है ये एक बैक्टीरिया है नॉर्मली ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है पीपल्स और एनिमल्स की और मोस्ट इक्वाली जो है वो हार्मलेस होते हैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं ये हेल्दी ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए ओके okay, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो है डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद वन एवं वन्य जीव से संबंधित है ऑप्शन आर आर्टिकल फोर्टी ए आर्टिकल फिफ्टी ए जी बोथ ए एंड बी और आर्टिकल फिफ्टी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी ये आर्टिकल 48 में भी मेंशन है एंड आर्टिकल 51 ए जी में भी मेंशन है जो 48 ए है ये डीपीएसपी का पार्ट है डीपीएसपी और आर्टिकल 51 ए जी जो है ये किसका पार्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड मैंशन है वो कहाँ कहाँ मैंशन है फर्स्ट आपको दे दिया जाएगा डीपीएसपी में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन है फंडामेंटल राइट में मेंशन है और ऑल ऑफ द अबाउ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये जो है ऑल ऑफ द अबाउ सॉरी यहाँ पे कर लो वन एंड टू तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन एंड टू ये डीपीएसपी में भी मैंशन है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी मैंशन है फंडामेंटल राइट में ये नहीं है तो इसका सही आंसर है डी ओके इसका सही आंसर हो जाएगा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी अभी हम देख लेते हैं आर्टिकल फोर्टी एट क्या बोलता है और आर्टिकल फिफ्टी वन ए जी क्या कहता है जो आर्टिकल फोर्टी एट ए है वो बोलता है कि ये स्टेट आ, स्टेट की ड्यूटी है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंडेयर करना प्रोटेक्ट करना इंप्रूव करना एनवायरमेंट को ओके okay, और सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और फिफ्टी वन ए जी क्या कहता है जैसे कि हमें पता ही है डीपीएसपी जो है वो क्या बोलता है डीपीएसपी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है और फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताती है सिटीजन की ड्यूटी बताती है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है इंडिया की इंडिया के हर एक सिटीजन की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना इंप्रूव करना नेचुरल एनवायरमेंट को उसमें क्या आता है उसमें आएगा फॉरेस्ट भी आ जाएंगे लेक्स भी आएंगे रिवर्स वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कम्पैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर ये ड्यूटी है एवरी सिटीजन की और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की प्रोटेक्ट करना इंप्रूव करना एनवायरमेंट को साथ ही साथ सेफ गार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्लास्टिक कैरी बैग ऑफ थी लेस देन डैश इज प्रोहिबिटेड बताइए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल आए थे 2016 में उनके अकॉर्डिंग जो है प्लास्टिक कैरिंग बैग जो उनकी थिकनेस जो है कितने से कम वाले थिकनेस वाले जो हैं वो प्रोहिबिटेड हुए हैं ऑप्शंस हैं 100 माइक्रोन 60 माइक्रोन 50 माइक्रोन और नन इसका सही आंसर हो जाएगा लेस देन 50 माइक्रोन वाले जो हैं वो प्रोहिबिटेड कर दिए गए थे क्योंकि जो माइक्रोप्लास्टिक होती है माइक्रोप्लास्टिक ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है इसके ऊपर जो है एक यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है माइक्रो के ऊपर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे अभी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि माइक्रो जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है ह्यूमन्स के लिए भी एनिमल्स के लिए भी माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पानी में चला जाता है पानी से जो है फ्लो कर जाता है रिवर्स में ओशन में तो ये डेंजरस होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए एक्वेटिक लाइफ ओके एक्वेटिक लाइफ से ये ह्यूमन पूरी चेन ही मूव करती है फॉर एग्जाम्पल ये फिश ने जो है कंज्यूम कर लिया फिश को फर्दर किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी चला जाएगा माइक्रो प्लास्टिक इसीलिए जो है इसके ऊपर बैन कर दिया गया था कि 50 माइक्रोन से अंडर जितनी जो माइक्रो प्लास्टिक हुए उसे बैन कर दिया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल टू के अंडर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 प्रोहिबिशन इज इम्पोज ऑन द मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे तो ये जो है सर्कल में ही नहीं आएगा मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सेल नहीं कर सकते यूज नहीं कर सकते प्लास्टिक कैरी बैग्स का शीट का लेस देन फिफ्टी माइक्रोन इन थिकनेस ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड इन बताइए ये कब बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था ये तो आपने देख ही लिया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा जो है इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और कब किया गया था ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन ईयर 1992 हंड्रेड यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 1992 में इसे बनाया गया था नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हेडक्वार्टर ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है ऑप्शन आर चेन्नई कर्नाटका हरियाणा और महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा ये है हरियाणा में हरियाणा में ये आता है बल्लभगढ़ में इनिशियली ये जो है बनाया गया था चेन्नई में and then इसको शिफ्ट कर दिया गया था बल्लभगढ़ हरियाणा में यहाँ आप देख सकते हैं जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर है बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ आता है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ये जो है एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को ओके प्रीवियसली ये जो था चेन्नई में था और उसको शिफ्ट किया गया था बल, बल्लभगढ़ में चेन्नई से टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है वट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ जो है वो इलेवन हो सकती है क्योंकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो टेन हो सकते हैं और एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी मैक्सिमम इलेवन बी इसका सही आंसर हो जाएगा

या फिर कंजर्वेटिव पार्टी रूढ़ीवादी दल लिबरल पार्टी उदारवादी दल और रेडिकल पार्टी कट्टरपंथी दल किसका का एग्जाम्पल है ये किस पार्टी की बात हो रही है किस पार्टी का एम होता है एस्टैब्लिश करना न्यू ऑर्डर बाय ओवर थ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उद्देश्य होता है रेडिकल पार्टी का कट्टरपंथी दलों का अभी हम इन सभी पार्टी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं रिएक्शनरी पार्टी क्या होती है चार तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है वो हमने ऑलरेडी देख ही ली है रिएक्शनरी कंजर्वेटिव लिबरल और रेडिकल तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शनरी पार्टी की रिएक्शनरी पार्टी क्या होती है विच क्लिंग टू द ओल्ड सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इसका मतलब है जो प्रतिक्रियावादी पार्टी होती है रिएक्शनरी पार्टी होती है वो पुराना सिस्टम लाना चाहती है ओल्ड जो पहला पुराना सोशो इकोनॉमिक सिस्टम था वो लाना चाहती है वो वो पार्टी होती है रिएक्शनरी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बिलीव करती है स्टेटस क्यू में स्टेटस क्यू मीन जो प्रेजेंट सिस्टम है प्रेजेंट सिस्टम और ये इन दोनों पार्टी को जो है राइट right पार्टी में जो है इन्वॉल्व किया जाता है राइट right पार्टी माना जाता है ऑन द अदर हैंड लिबरल पार्टी और रेडिकल पार्टी को जो है लेफ्टिस्ट माना जाता है लेफ्ट पार्टीज लिबरल पार्टी क्या होती है लिबरल पार्टी का एम होता है रिफॉर्म लेके आना आनाट्यूशन के अंदर स्लोली जो है थ्रो का, का करके कर जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है ये चार तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है फेमस योग गुरु बाबा रामदेव बिलोंग टू विच प्लेस ऑफ हरियाणा विश्व प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस स्थान से है ऑप्शन महेंद्रगढ़ सिरसा और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महेंद्रगढ़ से है इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि जो हरियाणा के फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं जो गुरु बाबा रामदेव हैं उनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था 1965 में हुआ था और उनके फादर का नाम है राम निवास यादव और मदर का नेम है गुलाबो देवी और कहाँ पे हुआ था एक सैयदपुर करके विलेज है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे इनका जन्म हुआ था नामुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन क्या आप सभी को पता होगा ऑयल रिफाइनरी जो है हरियाणा में कहाँ पे है ये है पानीपत में तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सी इज द राइट आंसर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है बलारपुर इंडस्ट्रीज फॉर पेपर एंड पल्प इज सिचुएटेड इन कागज और लुगदी बनाने का उद्योग जो है वो कहाँ पे स्थित है इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है हरियाणा जी के में तो बताइए इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन आर पानीपत गुरुग्राम यमुनानगर और रेवाड़ी तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनानगर क्योंकि यमुनानगर जो है सिर्फ यमुनानगर में ही जो है पेपर इंडस्ट्री है अगर आपको ये भी नहीं पता है कि बलारपुर इंडस्ट्री कहाँ पे है सिंपली पेपर और पल्प इंडस्ट्री से भी आप आंसर कर पाएंगे कि यमुनानगर में है यमुनानगर जो है पेपर और पल्प इंडस्ट्री के साथ साथ टिम्बर इंडस्ट्री के लिए भी जो है काफी फेमस है टिम्बर ओके मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शुगर मिल सिचुएटेड एट बताइए वो असन में है सी इज द राइट आंसर नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल इज लोकेटेड एट बताइए कहाँ पे है ऑप्शन आर दादरी भिवानी पानीपत सोनीपत इसका सही आंसर हो जाएगा जो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल का वो है भिवानी में इज द राइट आंसर मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेस्टोस बेस्टोस इज फाउंड इन जो है वो कहाँ पाया जाता है ऑप्शन दादरी महेंद्रगढ़ सिरसा इसका सही आंसर है ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ में मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एसबेस्टेस है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है रशिया में ओके okay. हरियाणा में ये कहा पाया जाता है ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा गया है कॉपर कॉपर इज फाउंड इन एरिया ऑफ कॉपर कहाँ पाया जाता है हरियाणा में ऑप्शंस आर नरनोल एंड भिवानी हिसार एंड सिरसा फरीदाबाद एंड गुरुग्राम अंबाला और यमुनानगर तो इसका सही आंसर है कहाँ मिलता है ये मिलता है नारनोल और भिवानी में नारनौल और भिवानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस इज बताइए हरियाणा की फीमेल लिटरेसी रेट आपसे पूछी गई है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या है ऑप्शंस आर 65.9% 74.3% 57.2% और 82.3% इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल लिटरेसी रेट है राइट आंसर right अभी हम देख लेते हैं हरियाणा का ओवरऑल लिटरेसी रेट मेल फीमेल लिटरेसी रेट एज पर टू थाउजेंड इलेवन तो लिटरेसी रेट जो है हरियाणा का उसमें अपवर्ड ट्रेंड देखा गया था दो हजार ग्यारह में जो ओवरऑल uh, है 65, uh, ओके okay, और मेल लिटरेसी रेट है एटी फोर पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट और फीमेल लिटरेसी रेट है पूछा गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन इसकी स्थापना कब की गई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना आपसे पूछी गई है कब की गई थी ये की गई थी इन दर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स ये हरियाणा की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना 1956 में की गई थी ओके इलेवेंथ ऑफ जनवरी 1956 और ये जो है मेंबर ऑफ एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की की okay, ओके ये भी क्वेश्चन फॉर्म में किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि क्या यूनिवर्सिटी जो है वो मेंबर ऑफ एसोसिएशन है कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज की तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी ना द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर एस एफ डी आर प्रोपोजिशन बेस्ड मिसाइल बताइए ऑप्शन आर पाकिस्तान Finland, India, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया ये इंडिया के द्वारा जो है टेस्ट फायर किया गया था कब किया गया था वो भी हम देख लेते हैं इंडिया ने जो है टेस्ट फायर किया था एस एफ डी आर प्रोपोलशन बेस्ड मिसाइल को और ये जो है इंडिजीनियसली डिजाइन की गई है डी के द्वारा ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है डी ने जो है इसको इंडिजीनियसली डिजाइन किया था अंडर ज्वाइंट इंडो रशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो टेस्ट की गई थी दो हजार अट्ठारह में स्पीड ऑफ मैक थ्री मैक थ्री स्पीड क्या होती है मैक थ्री स्पीड का मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रेवल करता है थ्री टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड ओके स्पीड को मैक थ्री स्पीड बोला जाएगा एंड इट इज ब्यूड एज द इंडियन वर्जन ऑफ फ्रेंच मेटि स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट uh, है फर्स्ट uh, स्टेटमेंट दे देंगे कि इंडिजीनियसली इसको डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा सेकंड है इसकी स्पीड जो है वो मैक मैकथ्री है थर्ड है इसको बोला जाता है इंडियन वर्जन ऑफ फ्रेंच मेट तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट में पूछा गया है टू मार्क वर्ल्ड म्यूजिक डे टू अराउंड वन आर्टिस्ट फ्रॉम ओवर 16 कंट्री परफॉर्म एट मल्टीपल वेन्यूज अक्रॉस द सिटी ऑफ कहां पे परफॉर्म किया था मुंबई उदयपुर अहमदाबाद भुवनेश्वर इसका सही आंसर है ये उदयपुर में परफॉर्म किया गया था बी इज द राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं द इवेंट टू प्लेस एट मल्टीपल वेन्यू मल्टीपल वेन्यू में हुआ था कहाँ पे हुआ था उदयपुर में हुआ था टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु हैज बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट एक्टर इन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड डबल आईएफए 2019 ऑप्शंस आर इरफान खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह तो इसका सही आंसर है ये अवार्ड दिया गया था रणवीर सिंह को फॉर द मूवी पद्मावत 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 में उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया था अलाउद्दीन खिलजी ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द रिसेंटली इनोग्रेटेड अटल टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग किसको कनेक्ट करेगी अटल टनल बनाया गया है ये किस uh, कहा किसको किस एरिया को कनेक्ट करेगा ऑप्शंस आर मनाली टू कश्मीर मनाली टू लेह मनाली टू शिमला और मनाली टू मसूरी इसका सही आंसर है ये जाएगा मनाली टू लेह बी इसका सही आंसर है मनाली टू ले रोड को जो है ये कनेक्ट करेगा इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये है नाइन पॉइंट जीरो टू किलोमीटर एंड लॉन्गेस्ट टनल है अबाउट टेन थाउजेंड फीट इन द वर्ल्ड एंड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अटल टनल जो है इसको नाम दिया गया है फॉर्मर पीएम के नाम पे और ये जो टनल है ये रिड्यूस करेगा ट्रेवल टाइम एंड ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड केलोंग मनाली एंड केलोंग में जो कि ऑन द वे टू लेह आता है तो ये कौन सा रोड होगा मनाली से लेह रोड पे ही आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू वेरी मच बाय बाय एंड टेक केयर